नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। आइए आज जानते हैं कि नाथूराम कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, फिर वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उसकी लेखनी में काफी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वो महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। बाद में वो गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपने आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोंटा है। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती हैं। उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या है, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी स्याही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सका। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 30 जनवरी को वो अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का ये भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टिकरण कर रही है और ये सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा है। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वो साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस अपना फैसला पलट दे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की धमकी भी दी। गोडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाईकोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उनका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए नेशन मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।